साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपर हिट मूवी शैतान की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार में है हो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो, आप सभी के लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है। तो दोस्तों ये मूवी फुल एचडी प्रीमियर प्रो ओटीटी पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को नेटफ्लिक्स ने सफिशियंट प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी YouTube पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज भी आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफ़ी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। इन दिनों रिलीज में आई ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हां दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सर्विस देखने को नहीं मिला था। और दोस्तों बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को शैतान मूवी को 1 मई पर और 2 मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज के लिए, और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशेंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है, और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं, और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जा चुके थे, मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ, इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइट हो रखे थे, और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने इस टाइम इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना, और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था, और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आई जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही। और अजय देवगन सर के साथ इस टाइम रिलीज में आई मूवी जो कि रिलीज में आया था मैदान बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि अक्षय कुमार अजय देवगन सर के जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था, और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है, और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फ्लॉप हो गए थे। और जिसके रीजन से मूवीज़ के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं, जैसे कि दृश्यम की सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था, और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था। और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज़ करने लगे, और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे इन मूवी इसके रिलीजन के लिए। और रिलीज फिल्म के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्म के फैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूं, बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योति का जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है,
उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है, जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर उनको पॉपुलरिटी और फैन फॉलोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज़ आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रीव मूवी भी इसी टाइम रिलीज में आने के साथ साथ मूवीज ने काफी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी, और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए। और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्में की फ़ैन रहे थे, जो इन जानरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड थे, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा, बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे, और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे, उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ अपडेट में रही है। इन दिनों रिलीज में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जानरा की मूवीज के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन, शान की बडुवाया और अजय देवगन इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे हैं, और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी, और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास, जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतनी अच्छी रिकॉर्ड रिस्पॉन्स नहीं कर रखी है, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रखे हैं। इन दिनों इन मूवीज़ के मेकर्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन दिनों इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने अपने पास परचेज राइट्स लेकर रखा है, जिसके रीज़न से नेटफ्लिक्स इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी नई मूवीज़ के सफिशन पर आगे बढ़ रखा है। उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स इस टाइम बैक टू बैक हिंदी सिनेमा की नई मूवी अपने पास सफिशन राइट्स पर लेकर रखा है। 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवीज़ के फैन फॉलोइंग और क्रेज, और इस मूवी के हिंदी पॉपुलरिटी की रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई थी। और फाइटर मूवी, योद्धा मूवी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवी जो एक ही जॉनरा की मूवी से बिलोंग करते थे, और उन मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज देखने के बाद लोग बार बार एक ही जॉनरा की मूवी के अंदर उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, और जिसके रीज़न से ये होगा उन सभी को मूवी उतना खास पसंद नहीं आया, और बाद में लोग बैक टू बैक नई और पुराने मूवीज़ की तरह ही बढ़ने लगे, और लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिला। फुल HD प्रीमियर पर हम ऑलरेडी आप सभी को इन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा चुके थे, और आप सभी के लिए एक अच्छी बात भी रही थी। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक आप सभी को इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ देखने को मिल रखा था। और हम आप सभी को बता दें, फिर से टाइम रिलीज भी कुछ बेहतरीन मूवी जो हिंदी सिनेमा के फ़ैन के लिए एक अच्छी बात रह गई थी, और बैक टू बैक उन मूवीज़ के सफिशन राइट्स और चर्चे होने के साथ लोगों को नई मूवी ऑलरेडी देखने को भी मिल रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इन दिनों रिलीज फिल्म के साथ अगर आप इस तरह के जॉनरा की नई और एक्साइटिंग मूवी के लिए एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। और बैक टू बैक नई मूवी के हिंदी फिल्म के क्रेज और फैन अभी भी बरकरार रखा है, और GCM की तीसरी सिक्वेल आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है, और GCM मूवी के मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना, और मूवीज़ की पार्टनर्स ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स के साथ मूवी कमाई करना काफ़ी अच्छी बात रह गई है। और शैतान मूवीज़ में आर माधवन ने जिस तरह से अपने किरदार और पर अपने काम करने को देखने के बाद काफ़ी सारे मेकर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं इस टाइम, और उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रह चुका है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हॉरर ड्रामा एक अलग किरदार की मूवी आप सभी को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम शैतान आप सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे, नेटफ्लिक्स प्रीमियर इस मूवी को बहुत जल्द नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर देखने को मिलने के साथ साथ मूवी को यूट्यूब रीजन पर भी रिलीज़ करने के बाद चली हुई है, और यूट्यूब मेकर्स ने भी इस टाइम इन मूवीज़ को एक अलग ही पहचान दिला दिया है। और आप सभी को बता दें, आर माधवन की एक्टिंग्स और अजय देवगन सर जिस तरह से मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं, उसके साथ मूवीज़ की पॉपुलरिटी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं और नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्में के लिए इंतजार कर रखे हैं, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को इस टाइम काफ़ी सारी नई मूवी के लिए इंतजार में रखा था।
मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हिंदी मीडियम्स और काफ़ी सारे नए मूवी के किरदार के साथ आप सभी को ये मूवी एक अच्छी मूवी च्वाइस होने वाली है। वीडियो के साथ साथ अपडेट में रहिए और पॉपुलर मूवी सिनेमा के साथ हम आप सभी को ऑलरेडी OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा दिया है। इस टाइम आप सभी को शैतान मूवी देखने को मिल रखा है हिंदी प्रीमियर के फैन के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर और यूट्यूब पर इस मूवी को बहुत ही जल्द प्रीमियर भी कर दिया जाएगा। साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपरहिट मूवी शैतान की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार में हो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो, आप सभी के लिए खुशखबर है। तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है। तो दोस्तों ये मूवी फुल HD प्रीमियर प्रो OTT पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को नेटफ्लिक्स ने सफिशियंट प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के नाम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज भी आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इन दिनों रिलीज में आए ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को शैतान मूवी को 1 मई पर और 2 मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज के लिए, और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशेंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है, और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं, और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जा चुके थे, मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइट हो रखे थे, और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने इस टाइम इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना, और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था, और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आई जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही। और अजय देवगन सर के साथ इस टाइम रिलीज में आई मूवी जो कि रिलीज में आया था मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि अक्षय कुमार अजय देवगन सर के जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था, और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है, और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फ्लॉप हो गए थे। और जिसके रीजन से मूवीज़ के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं, जैसे कि दृश्यम की सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था, और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था। और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज़ करने लगे, और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो रखे इन मूवी
मूवीज़ के रिलीजन के लिए और रिलीज़ फिल्में के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्में के फ़ैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूँ, बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्में के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योतिका जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है, उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है, जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर उनको पॉपुलरिटी और फैन ब्लोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज़ आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रियू मूवी भी इसी टाइम रिलीज में के साथ साथ मूवीज ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्में की फ़ैन रहे थे, जो इन जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड थे, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे, उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ अपडेट में रही है इन दिनों रिलीज़ में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन, जानकी बडवाला और अजय देवगन इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे हैं और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास, जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतनी अच्छी रिकॉर्ड रेस्पॉन्स नहीं कर रखी है, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रखे इन दिनों इन मूवीज़ के मेकर्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इन दिनों इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने अपने पास परचेज राइट्स लेकर रखा है, जिसके रीज़न से नेटफ्लिक्स इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी नई मूवीज़ के सफिशन पर आगे बढ़ रखा है। उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स इस टाइम बैक टू बैक हिंदी सिनेमा की नई मूवी अपने पास सफिशन राइट्स पर लेकर रखा है। 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवीज़ के फैन फ्लोइंग और क्रेज और इस मूवी के हिंदी पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई थी। और फाइटर मूवी, योद्धा मूवी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवी जो एक ही जॉनरा की मूवी से बिलोंग करते थे और उन मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज देखने के बाद लोग बार बार एक ही जॉनरा की मूवी के अंदर उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे और जिसके रीज़न से ये होगा उन सभी को मूवी उतना खास पसंद नहीं आया और बाद में लोग बैक टू बैक नई और पुराने मूवीज़ की तरह ही बढ़ने लगे और लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिला। फुल HD प्रीमियर पर हम ऑलरेडी आप सभी को इन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा चुके थे और आप सभी के लिए एक अच्छी बात भी रही थी। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन मूवी को लेकर और बैक टू बैक आप सभी को इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ देखने को मिल रखा था। और हम आप सभी को बता दें, फिर से टाइम रिलीज हुई कुछ बेहतरीन मूवी जो हिंदी सिनेमा के फ़ैन के लिए एक अच्छी बात रह गई थी और बैक टू बैक उन मूवीज़ के सफिशेंट राइट्स और चर्चे होने के साथ लोगों को नई मूवी ऑलरेडी देखने को भी मिल रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इन दिनों रिलीज फिल्म के साथ अगर आप इस तरह के जॉनरा की नई और एक्साइटिंग मूवी के लिए एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। और बैक टू बैक नई मूवी के हिंदी फिल्म के क्रेज और फैन अभी भी बरकरार रखा है और दृश्यम की तीसरी सीक्वल आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है और दृश्यम मूवी के मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना और मूवीज़ की पार्टनर्स ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स के साथ मूवी कमाई करना काफ़ी अच्छी बात रह गई है। और शैतान मूवीज़ में आर माधवन ने जिस तरह अपने किरदार पर अपने काम करने को देखने के बाद काफ़ी सारे मेकर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहे इस टाइम और उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रह चुका है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हॉरर ड्रामा एक अलग किरदार की मूवी आप सभी को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम शैतान आप सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे, नेटफ्लिक्स प्रीमियर इस मूवी को बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर देखने को मिलने के साथ साथ मूवी को यूट्यूब रीजन पर भी रिलीज़ करने के बाद चली
हुई है और यूट्यूब मेकर्स ने भी इस टाइम इन मूवीज़ को एक अलग ही पहचान दिला दिया है। और आप सभी को बता दें, आर माधवन की एक्टिंग्स और अजय देवगन सर जिस तरह से मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं, उसके साथ मूवीज़ की पॉपुलरिटी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं और नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्में के लिए इंतजार कर रखे हैं और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को इस टाइम काफ़ी सारी नई मूवी के लिए इंतजार में रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हिंदी मीडियम्स और काफ़ी सारे नए मूवी के किरदार के साथ आप सभी को ये मूवी एक अच्छी मूवी चॉइस होने वाली है। वीडियो के साथ साथ अपडेट में रहिए और पॉपुलर मूवी सिनेमा के साथ हम आप सभी को ऑलरेडी OTT रिलीज के बारे में जानकारी करवा दिया है। इस टाइम आप सभी को शैतान मूवी देखने को मिल रखा है हिंदी प्रीमियर के फैन के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर और यूट्यूब पर इस मूवी को बहुत ही जल्द प्रीमियर भी कर दिया जाएगा। साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपरहिट मूवी शैतान की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार में हो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो, आप सभी के लिए खुशखबर है। तो दोस्तों, फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है। तो दोस्तों, ये मूवी फुल HD प्रीमियर प्रो OTT पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को नेटफ्लिक्स ने सफिशियन प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज भी आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफ़ी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे। जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इन दिनों रिलीज में आई ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों, बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आप सभी को शैतान मूवी को 1 मई पर और 2 मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज के लिए और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशिएंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों, शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जा चुके थे। मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ, इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों, हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइट हो रखे थे और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने इस टाइम इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आई, जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही। और अजय देवगन सर के साथ इस टाइम रिलीज में आई मूवी जो कि रिलीज में आया था मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि अक्षय कुमार अजय देवगन सर के जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर
फ्लॉप हो गए थे और जिसके रीज़न से मूवीज के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं। जैसे कि दृश्यम की सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था। और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज करने लगे और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो रखे इन इसके रिलीजन के लिए। और रिलीज फिल्में के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्में के फैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूं बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्में के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योति का जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर उनको पॉपुलरिटी और फैन फॉलोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रीव मूवी भी इसी टाइम रिलीज में आने के साथ साथ मूवीज ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए। और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्में की फ़ैन रहे थे जो इन जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड थे उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ अपडेट में रही है इन दिनों रिलीज़ में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन जानकी बडुवाला और अजय देवगन इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे हैं और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतनी अच्छी रिकॉर्ड रेस्पॉन्स नहीं कर रखी है जिसके बाद काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रखे इन दिनों इन मूवीज़ के मेकर्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इन दिनों इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने अपने पास परचेज राइट्स लेकर रखा है जिसके रीज़न से नेटफ्लिक्स इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी नई मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन पर आगे बढ़ रखा है। उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स इस टाइम बैक टू बैक हिंदी सिनेमा की नई मूवी अपने पास सब्सक्रिप्शन राइट्स पर लेकर रखा है। 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवीज़ के फैन फॉलोइंग और क्रेज और इस मूवी के हिंदी पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई थी। और फाइटर मूवी योद्धा मूवी और बड़े मियां छोटे मियां जैसी मूवी जो एक ही जॉनरा की मूवी से बिलोंग करते थे और उन मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज देखने के बाद लोग बार बार एक ही जॉनरा की मूवी के अंदर उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे और जिसके रीज़न से ये होगा उन सभी को मूवी उतना खास पसंद नहीं आया और बाद में लोग बैक टू बैक नई और पुराने मूवीज़ की तरह ही बढ़ने लगे और लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिला। फुल HD प्रीमियर पर हम ऑलरेडी आप सभी को इन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा चुके थे और आप सभी के लिए एक अच्छी बात भी रही थी। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन मूवी को लेकर और बैक टू बैक आप सभी को इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ देखने को मिल रखा था। और हम आप सभी को बता दें फिर टाइम रिलीज भी कुछ बेहतरीन मूवी जो हिंदी सिनेमा के फ़ैन के लिए एक अच्छी बात रह गई थी और बैक टू बैक उन मूवीज़ के सफिशेंट राइट्स और चर्चे होने के साथ लोगों को नई मूवी ऑलरेडी देखने को भी मिल रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों रिलीज फिल्म के साथ अगर आप इस तरह के जॉनरा की नई और एक्साइटिंग मूवी के लिए एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। और बैक टू बैक नई मूवी के हिंदी फिल्मों के क्रेज और फैन अभी भी बरकरार रखा है और दृश्यम की तीसरी सीक्वल आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है और दृश्यम मूवी के मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना और मूवीज़ की पार्टनर्स ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स के साथ मूवी कमाई करना काफ़ी अच्छी बात रह गई है। और शैतान मूवीज़ में आर माधवन ने जिस तरह से
अपने किरदार पर अपने काम करने को देखने के बाद काफ़ी सारे मेकर्स भी, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहे इस टाइम, और उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रह चुका है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हॉरर ड्रामा एक अलग किरदार की मूवी आप सभी को देखना पसंद है तो दोस्तों इस टाइम शैतान आप सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे, नेटफ्लिक्स प्रीमियर इस मूवी को बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर देखने को मिलने के साथ साथ मूवी को यूट्यूब रीजन पर भी रिलीज़ करने के बाद चली हुई है। और यूट्यूब मेकर्स ने भी इस टाइम इन मूवीज़ को एक अलग ही पहचान दिला दिया है। और आप सभी को बता दें, आर माधवन की एक्टिंग्स और अजय देवगन सर जिस तरह से मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं, उसके साथ मूवीज़ की पॉपुलरिटी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं और नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के लिए इंतजार कर रखे हैं। और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को इस टाइम काफ़ी सारी नई मूवी के लिए इंतजार में रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हिंदी मीडियम्स और काफ़ी सारे नए मूवी के किरदार के साथ आप सभी को ये मूवी एक अच्छी मूवी च्वाइस होने वाली है। वीडियो के साथ साथ अपडेट में रहिए। और पॉपुलर मूवी सिनेमा के साथ हम आप सभी को ऑलरेडी OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा दिया है। इस टाइम आप सभी को शैतान मूवी देखने को मिल रखा है हिंदी प्रीमियर के फैन के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर, और यूट्यूब पर इस मूवी को बहुत ही जल्द प्रीमियर भी कर दिया जाएगा। साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपरहिट मूवी शैतान की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार में हो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो आप सभी के लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है। तो दोस्तों ये मूवी फुल HD प्रीमियर प्रो OTT पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को नेटफ्लिक्स ने सफिशियंट प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी, जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज भी आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे। जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इन दिनों रिलीज में आई ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला, और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को शैतान मूवी को 1 मई पर और 2 मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज के लिए, और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशियंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है, और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं, और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जा चुके थे। मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ, इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हो रखे थे, और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने इस टाइम
इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना, और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था, और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आए जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही। और रजनीकांत सर के साथ इस टाइम रिलीज में आए मूवी जो कि रिलीज में आया था मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि अक्षय कुमार रजनीकांत सर के जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था, और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है, और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फ्लॉप हो गए थे। और जिसके रीज़न से मूवीज़ के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं, जैसे कि दृश्यम की सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था, और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था। और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज़ करने लगे, और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे इन इसके रिलीजन के लिए, और रिलीज फिल्म के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्म के फैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूं बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योति का जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर उनको पॉपुलरिटी और फैन फॉलोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज़ आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रू मूवी भी इसी टाइम रिलीज में आने के साथ साथ मूवीज ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी, और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए। और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्म के फ़ैन रहे थे, जो इन जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड थे, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे, और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे, उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ अपडेट में रही है इन दिनों रिलीज़ में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन जाने की बड़ीवाया और अजय देवगन इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग काम कर रखे हैं, और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी, और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास, जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज़ ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतनी अच्छी रिकॉर्ड रेस्पॉन्स नहीं कर रखी है, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रखे इन दिनों इन मूवीज़ के मेकर्स के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इन दिनों इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने अपने पास परचेज राइट्स लेकर रखा है, जिसके रीज़न से नेटफ्लिक्स इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी नई मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन पर आगे बढ़ रखा है। उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स इस टाइम बैक टू बैक हिंदी सिनेमा की नई मूवी अपने पास सब्सक्रिप्शन राइट्स पर लेकर रखा है। 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवीज़ के फैन फॉलोइंग और क्रेज, और इस मूवी के हिंदी पॉपुलरिटी की रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई थी। और फाइटर मूवी, योद्धा मूवी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवी जो एक ही जॉनरा की मूवी से बिलोंग करते थे, और उन मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज देखने के बाद लोग बार बार एक ही जॉनरा की मूवी के अंदर उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, और जिसके रीज़न से ये होगा उन सभी को मूवी उतना खास पसंद नहीं आया, और बाद में लोग बैक टू बैक नई और पुराने मूवीज़ की तरह ही बढ़ने लगे, और लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिला। फुल HD प्रीमियर पर हम ऑलरेडी आप सभी को इन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा चुके थे, और आप सभी के लिए एक अच्छी बात भी रही थी। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक आप सभी को इस तरह के जॉनर की मूवीज़ देखने को मिल रखा था। और हम आप सभी को बता दें फिर से टाइम रिलीज भी कुछ बेहतरीन मूवी जो हिंदी सिनेमा के फ़ैन के लिए एक अच्छी बात रह गई थी, और बैक टू बैक उन मूवीज़ के सफिशेंट राइट्स और चर्चे होने के साथ लोगों को नई मूवी ऑलरेडी देखने को भी मिल रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों रिलीज फिल्म के साथ अगर आप इस तरह के जॉनर की नई और एक्साइटिंग मूवी
के लिए एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। और बैक टू बैक नई मूवी के हिंदी फिल्मों के क्रेज और फैन अभी भी बरकरार रखा है। और दृश्यम की तीसरी सिक्वल आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है। और दृश्यम मूवी के मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना, और मूवीज़ की पार्टनर्स ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स के साथ मूवी कमाई करना काफ़ी अच्छी बात रह गई है। और शैतान मूवीज़ में आर माधवन ने जिस तरह से अपने किरदार पर अपने काम करने को देखने के बाद काफ़ी सारे मेकर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं इस टाइम, और उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रह चुका है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हॉरर ड्रामा एक अलग किरदार की मूवी आप सभी को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम शैतान आप सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे नेटफ्लिक्स प्रीमियर इस मूवी को बहुत जल्द नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर देखने को मिलने के साथ साथ मूवी को यूट्यूब रीजन पर भी रिलीज करने के बाद चली हुई है। और यूट्यूब मेकर्स ने भी इस टाइम इन मूवीज़ को एक अलग ही पहचान दिला दिया है। और आप सभी को बता दें आर माधवन की एक्टिंग्स और अजय देवगन सर जिस तरह से मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं उसके साथ मूवीज़ की पॉपुलरिटी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं और नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के लिए इंतजार कर रखे हैं। और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को इस टाइम काफ़ी सारी नई मूवी के लिए इंतजार में रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हिंदी मीडियम्स और काफ़ी सारे नए मूवी के किरदार के साथ आप सभी को ये मूवी एक अच्छी मूवी च्वाइस होने वाली है। वीडियो के साथ साथ अपडेट में रहिए। और पॉपुलर मूवी सिनेमा के साथ हम आप सभी को ऑलरेडी OTT रिलीज के बारे में जानकारी करवा दिया है। इस टाइम आप सभी को शैतान मूवी देखने को मिल रखा है हिंदी प्रीमियर के फैन के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर, और यूट्यूब पर इस मूवी को बहुत ही जल्द प्रीमियर भी कर दिया जाएगा। साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपरहिट मूवी शैतान की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार में हो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो आप सभी के लिए खुशखबर है। तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है। तो दोस्तों ये मूवी फुल HD प्रीमियर प्रो OTT पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को नेटफ्लिक्स ने सफिशियंट प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के नाम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज भी आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इन दिनों रिलीज में आई ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को शैतान मूवी को 1 मई पर और 2 मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज के लिए, और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशिएंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है, और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं, और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जा चुके थे, मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ
उन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइट हो रखे थे, और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने इस टाइम इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना, और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था, और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आई जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही। और अजय देवगन सर के साथ इस टाइम रिलीज में आई मूवी जो कि रिलीज में आया था मैदान बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि अक्षय कुमार अजय देवगन सर के जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था, और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है, और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फ्लॉप हो गए थे। और जिसके रीज़न से मूवीज़ के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं, जैसे कि दृश्यम की सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था, और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था। और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज़ करने लगे, और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे इन मूवीज़ के रिलीजन के लिए, और रिलीज फिल्म के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्म के फैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूँ, बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योति का जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है, उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर उनको पॉपुलरिटी और फैन ब्लोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज़ आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रू मूवी भी इसी टाइम रिलीज में के साथ साथ मूवीज़ ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी, और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए। और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्म के फ़ैन रहे थे, जो इन जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट थे, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे, और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे, उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ अपडेट में रही है इन दिनों रिलीज़ में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन जाने की बड़ी बात है, और अजय देवगन इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे हैं, और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी, और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास, जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज़ ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतनी अच्छी रिकॉर्ड रेस्पॉन्स नहीं कर रखी है, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रखे इन दिनों इन मूवीज़ के मेकर्स के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन दिनों इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने अपने पास परचेज राइट्स लेकर रखा है, जिसके रीज़न से नेटफ्लिक्स इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी नई मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन पर आगे बढ़ रखा है। उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स इस टाइम बैक टू बैक हिंदी सिनेमा की नई मूवी अपने पास सब्सक्रिप्शन राइट्स पर लेकर रखा है। 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवीज़ फैन फ्लोइंग और क्रेज, और इस मूवी के हिंदी पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी एक अलग किरदार पर बनी हुई थी। और फाइटर मूवी, योद्धा मूवी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवी जो एक ही जॉनरा की मूवी से बिलोंग करते थे, और उन मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज देखने के बाद लोग बार बार एक ही जॉनरा की मूवी के अंदर उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, और जिसके रीजन से ये होगा उन सभी को मूवी उतना खास पसंद नहीं आया, और बाद में लोग बैक टू बैक नई और पुराने मूवीज़ की तरह ही बढ़ने लगे, और लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिला। फुल HD प्रीमियर पर हम ऑलरेडी आप सभी को इन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा चुके थे, और आप सभी के लिए एक अच्छी बात भी रही थी। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स
इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक आप सभी को इस तरह के जॉनर की मूवीज़ देखने को मिल रखा था। और हम आप सभी को बता दें फर्स्ट टाइम रिलीज भी कुछ बेहतरीन मूवी जो हिंदी सिनेमा के फ़ैन के लिए एक अच्छी बात रह गई थी, और बैक टू बैक उन मूवीज़ के सभी सनराइज और चर्चे होने के साथ लोगों को नई मूवी ऑलरेडी देखने को भी मिल रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों रिलीज फिल्म के साथ अगर आप इस तरह के जॉनर की नई और एक्साइटिंग मूवी के लिए एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। और बैक टू बैक नई मूवी के हिंदी फिल्म के क्रेज और फैन अभी भी बरकरार रखा है, और दृश्यम की तीसरी सिक्वेल आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है। और दृश्यम मूवी के मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना, और मूवीज़ की पार्टनर्स ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स के साथ मूवी कमाई करना काफ़ी अच्छी बात रह गई है। और शैतान मूवीज़ में आर माधवन ने जिस तरह से अपने किरदार पर अपने काम करने को देखने के बाद काफ़ी सारे मेकर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं इस टाइम, और उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रह चुका है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हॉरर ड्रामा एक अलग किरदार की मूवी आप सभी को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम शैतान आप सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे नेटफ्लिक्स प्रीमियर इस मूवी को बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर देखने को मिलने के साथ साथ मूवी को यूट्यूब रीजन पर भी रिलीज़ करने के बाद चली हुई है, और यूट्यूब मेकर्स ने भी इस टाइम इन मूवीज़ को एक अलग ही पहचान दिला दिया है। और आप सभी को बता दें आर माधवन की एक्टिंग्स और अजय देवगन सर जिस तरह से मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं उसके साथ मूवीज़ की पॉपुलरिटी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई है, उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं और नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्में के लिए इंतजार कर रखे हैं, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को इस टाइम काफ़ी सारी नई मूवी के लिए इंतजार में रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हिंदी मीडियम्स और काफ़ी सारे नई मूवी के किरदार के साथ आप सभी को ये मूवी एक अच्छी मूवी च्वाइस होने वाली है। वीडियो के साथ साथ अपडेट में रहिए, और पॉपुलर मूवी सिनेमा के साथ हम आप सभी को ऑलरेडी OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा दिया है। इस टाइम आप सभी को शैतान मूवी देखने को मिल रखा है हिंदी प्रीमियर के फैन के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर, और यूट्यूब पर इस मूवी को बहुत ही जल्द प्रीमियर भी कर दिया जाएगा। साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपरहिट मूवी शैतान की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार में है हो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो आप सभी के लिए खुशखबर है। तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है, तो दोस्तों ये मूवी फुल HD प्रीमियर प्रो OTT पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को नेटफ्लिक्स ने सफिशियंट प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज भी आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इन दिनों रिलीज में आई ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज के इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को शैतान मूवी को 1 मई पर और 2 मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज के लिए, और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशेंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है,
और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जा चुके थे। मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइट हो रखे थे और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने इस टाइम इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आई, जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही और अजय देवगन सर के साथ इस टाइम रिलीज में आई मूवी जो कि रिलीज में आया था मैदान बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि अक्षय कुमार अजय देवगन सर के जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फ्लॉप हो गए थे और जिसके रीजन से मूवीज़ के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं। जैसे कि दृश्यम की सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज करने लगे और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो रखे इन मूवीज़ के रिलीजन के लिए और रिलीज फिल्म के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्म के फैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूँ बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योति का जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर उनको पॉपुलरिटी और फैन फॉलोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज़ आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रियू मूवी भी इसी टाइम रिलीज में आने के साथ साथ मूवीज ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्म के फ़ैन रहे थे, जो इन जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड थे, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ अपडेट में रही है इन दिनों रिलीज में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जॉनरा की मूवीज के लिए एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन, जानकी बडुवाला और अजय देवगन इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे हैं और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास, जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतनी अच्छी रिकॉर्ड रेस्पॉन्स नहीं कर रखी है, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रखे हैं इन दिनों इन मूवीज़ के मेकर्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन दिनों इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने अपने पास परचेज राइट्स लेकर रखा है, जिसके रीज़न से नेटफ्लिक्स इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी नई मूवीज़ के सफिशन पर आगे बढ़ रखा है। उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स इस टाइम बैक टू बैक हिंदी सिनेमा की नई मूवी अपने पास सफिशन राइट्स पर लेकर रखा है। 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवीज़ के
फैन फॉलोइंग और क्रेज, और इस मूवी के हिंदी पॉपुलरिटी की वजह से ये मूवी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई थी। और फाइटर मूवी, योद्धा मूवी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवी जो एक ही जॉनरा की मूवी से बिलोंग करते थे, और उन मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज देखने के बाद लोग बार बार एक ही जॉनरा की मूवी के अंदर उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, और जिसके रीज़न से ये होगा उन सभी को मूवी उतना खास पसंद नहीं आया, और बाद में लोग बैक टू बैक नहीं और पुराने मूवीज़ की तरह ही बढ़ने लगे, और लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिला। फुल HD प्रीमियर पर हम ऑलरेडी आप सभी को इन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा चुके थे, और आप सभी के लिए एक अच्छी बात भी रही थी। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक आप सभी को इस तरह के जॉनर की मूवीज़ देखने को मिल रखा था। और हम आप सभी को बता दें फिर से टाइम रिलीज भी कुछ बेहतरीन मूवी जो हिंदी सिनेमा के फ़ैन के लिए एक अच्छी बात रह गई थी, और बैक टू बैक उन मूवीज़ के सफिशेंट राइट्स और चर्चे होने के साथ लोगों को नई मूवी ऑलरेडी देखने को भी मिल रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों रिलीज फिल्म के साथ अगर आप इस तरह के जॉनर की नई और एक्साइटिंग मूवी लिए एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। और बैक टू बैक नई मूवी के हिंदी फिल्म के क्रेज और फैन अभी भी बरकरार रखा है, और DCM की तीसरी सीक्वल आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है, और DCM मूवी के मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना, और मूवीज़ की पार्टनर्स ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स के साथ मूवी कमाई करना काफ़ी अच्छी बात रह गई है। और शैतान मूवीज़ में R माधवन ने जिस तरह अपने किरदार पर अपने काम करने को देखने के बाद काफ़ी सारे मेकर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहे इस टाइम, और उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रह चुका है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हॉरर ड्रामा एक अलग किरदार की मूवी आप सभी को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम शैतान आप सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे नेटफ्लिक्स प्रीमियर इस मूवी को बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर देखने को मिलने के साथ साथ मूवी को यूट्यूब रीजन पर भी रिलीज़ करने के बाद चली हुई है, और यूट्यूब मेकर्स ने भी इस टाइम इन मूवीज़ को एक अलग ही पहचान दिला दिया है। और आप सभी को बता दें R माधवन की एक्टिंग्स और अजय देवगन सर जिस तरह से मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं उसके साथ मूवीज़ की पॉपुलरिटी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई है, उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं और नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के लिए इंतजार कर रखे हैं, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को इस टाइम काफ़ी सारी नई मूवी के लिए इंतजार में रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हिंदी मीडियम्स और काफ़ी सारे नई मूवी के किरदार के साथ आप सभी को ये मूवी एक अच्छी मूवी चॉइस होने वाली है। वीडियो के साथ साथ अपडेट में रहिए, और पॉपुलर मूवी सिनेमा के साथ हम आप सभी को ऑलरेडी OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा दिया है। इस टाइम आप सभी को शैतान मूवी देखने को मिल रखा है हिंदी प्रीमियर के फैन के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर, और यूट्यूब पर इस मूवी को बहुत ही जल्द प्रीमियर भी कर दिया जाएगा। साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपर हिट मूवी शैतान की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार में हो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो आप सभी के लिए खुशखबर है। तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है, तो दोस्तों ये मूवी फुल HD प्रीमियर पर OTT पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को नेटफ्लिक्स ने सफिशेंट प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज भी आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफ़ी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों रिलीज में आई ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला, और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को शैतान मूवी को
फर्स्ट मई पर और सेकेंड मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज के लिए, और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशेंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है, और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं, और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जा चुके थे। मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ, इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइट हो रखे थे, और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने इस टाइम इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना, और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था, और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आई जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही। और अजय देवगन सर के साथ इस टाइम रिलीज में आई मूवी जो कि रिलीज में आया था मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि अक्षय कुमार अजय देवगन सर के, जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था, और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है, और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फ्लॉप हो गए थे। और जिसके रीज़न से मूवीज़ के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं, जैसे कि दृश्यम की सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था, और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था। और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज करने लगे, और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो रखे इन मूवीज के रिलीजन के लिए। और रिलीज फिल्म के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्म के फैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूं, बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योतिका जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है, उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर उनको पॉपुलरिटी और फैन फॉलोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रियू मूवी भी इसी टाइम रिलीज में आने के साथ साथ मूवीज ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी, और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए। और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्मों की फ़ैन रहे थे, जो इन जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड थे, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे, और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे, उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ अपडेट में रही है इन दिनों रिलीज़ में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन, जानकी बडूवाला और अजय देवगन इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे हैं, और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी, और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास, जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतनी अच्छी रिकॉर्ड रेस्पॉन्स नहीं कर रखी है, जिसके बाद
काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रखे इन दिनों इन मूवीज़ के मेकर्स के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन दिनों इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने अपने पास परचेज राइट्स लेकर रखा है, जिसके रीज़न से नेटफ्लिक्स इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी नई मूवीज़ के सफिशन पर आगे बढ़ रखा है। उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स इस टाइम बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के नए मूवी अपने पास सफिशन राइट्स पर लेकर रखा है। 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवीज के फैन फॉलोइंग और क्रेज, और इस मूवी के हिंदी पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी एक अलग किरदार पर बनी हुई थी। और फाइटर मूवी, योद्धा मूवी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवी जो एक ही जॉनरा की मूवी से बिलोंग करते थे, और उन मूवीज के पॉपुलरिटी क्रेज देखने के बाद लोग बार बार एक ही जॉनरा की मूवी के अंदर उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, और जिसके रीजन से ये होगा उन सभी को मूवी उतना खास पसंद नहीं आया, और बाद में लोग बैक टू बैक नई और पुराने मूवीज़ की तरह ही बढ़ने लगे, और लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिला। फुल HD प्रीमियर पर हम ऑलरेडी आप सभी को इन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा चुके थे, और आप सभी के लिए एक अच्छी बात भी रही थी। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक आप सभी को इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ देखने को मिल रखा था। और हम आप सभी को बता दें, फिर से टाइम रिलीज भी कुछ बेहतरीन मूवी जो हिंदी सिनेमा के फ़ैन के लिए एक अच्छी बात रह गई थी, और बैक टू बैक उन मूवीज़ के सफिशेंट राइट्स और चर्चे होने के साथ लोगों को नई मूवी ऑलरेडी देखने को भी मिल रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इन दिनों रिलीज फिल्म के साथ अगर आप इस तरह के जॉनरा की नई और एक्साइटिंग मूवी लिए एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। और बैक टू बैक नई मूवी के हिंदी फिल्म के क्रेज और फैन अभी भी बरकरार रखा है, और दृश्यम की तीसरी सीक्वल आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है, और दृश्यम मूवी के मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना, और मूवीज़ की पार्टनर्स ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स के साथ मूवी कमाई करना काफ़ी अच्छी बात रह गई है। और शैतान मूवीज़ में आर माधवन ने जिस तरह अपने किरदार और पर अपने काम करने को देखने के बाद काफ़ी सारे मेकर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहे इस टाइम, और उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रह चुका है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हॉरर ड्रामा एक अलग किरदार की मूवी आप सभी को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम शैतान आप सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे, नेटफ्लिक्स प्रीमियर इस मूवी को बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर देखने को मिलने के साथ साथ मूवी को यूट्यूब रीजन पर भी रिलीज़ करने के बाद चली हुई है, और यूट्यूब मेकर्स ने भी इस टाइम इन मूवीज़ को एक अलग ही पहचान दिला दिया है। और आप सभी को बता दें, आर माधवन की एक्टिंग्स और अजय देवगन सर जिस तरह से मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं, उसके साथ मूवीज़ की पॉपुलरिटी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग गए और नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के लिए इंतजार कर रखे हैं, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को इस टाइम काफ़ी सारी नई मूवी के लिए इंतजार में रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हिंदी मीडियम्स और काफ़ी सारे नए मूवी के किरदार के साथ आप सभी को ये मूवी एक अच्छी मूवी च्वाइस होने वाली है। वीडियो के साथ साथ अपडेट में रहिए, और पॉपुलर मूवी सिनेमा के साथ हम आप सभी को ऑलरेडी OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा दिया है। इस टाइम आप सभी को शैतान मूवी देखने को मिल रखा है हिंदी प्रीमियर के फैन के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर, और यूट्यूब पर इस मूवी को बहुत ही जल्द प्रीमियर भी कर दिया जाएगा। साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपरहिट मूवी शैतान की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार में हो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो आप सभी के लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है, तो दोस्तों ये मूवी फुल HD प्रीमियर पर OTT पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को नेटफ्लिक्स ने सफिशियंट प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज भी आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इन दिनों रिलीज में आई ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी
मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को शैतान मूवी को फर्स्ट मई पर और सेकेंड मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज के लिए, और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशेंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है, और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं, और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जा चुके थे। मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ उन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइट हो रखे थे, और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने इस टाइम इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना, और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था, और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आए जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही। और अजय देवगन सर के साथ इस टाइम रिलीज में आए मूवी जो कि रिलीज में आया था मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि अक्षय कुमार अजय देवगन सर के जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था, और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है, और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फ्लॉप हो गए थे। और जिसके रीजन से मूवीज़ के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं, जैसे कि दृश्यम की सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था, और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था। और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज़ करने लगे, और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे इन मूवीज़ के रिलीजन के लिए। और रिलीज फिल्म के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्म के फैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूँ बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योति का जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर उनको पॉपुलरिटी और फैन फॉलोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज़ आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रियो मूवी भी इसी टाइम रिलीज में आने के साथ साथ मूवीज़ ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी, और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए। और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्म के फ़ैन रहे थे, जो इन जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड थे, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे,
उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ अपडेट में रहिए, इन दिनों रिलीज में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जॉनर की मूवीज के लिए एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन, शान की बडुवाला और अजय देवगन इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे है और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास, जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतनी अच्छी रिकॉर्ड रिस्पॉन्स नहीं कर रखी है, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रखे इन दिनों इन मूवीज़ के मेकर्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इन दिनों इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने अपने पास परचेज राइट्स लेकर रखा है, जिसके रीज़न से नेटफ्लिक्स इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी नई मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन पर आगे बढ़ रखा है। उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स इस टाइम बैक टू बैक हिंदी सिनेमा की नई मूवी अपने पास सब्सक्रिप्शन राइट्स पर लेकर रखा है। 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवीज़ के फैन फॉलोइंग और क्रेज और इस मूवी के हिंदी पॉपुलरिटी की रीजन से ये मूवी एक अलग किरदार पर बनी हुई थी और फाइटर मूवी, योद्धा मूवी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवी जो एक ही जॉनरा की मूवी से बिलोंग करते थे और उन मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज देखने के बाद लोग बार बार एक ही जॉनरा की मूवी के अंदर उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे और जिसके रीज़न से ये होगा उन सभी को मूवी उतना खास पसंद नहीं आया और बाद में लोग बैक टू बैक नई और पुराने मूवीज़ की तरह ही बढ़ने लगे और लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिला। फुल HD प्रीमियर पर हम ऑलरेडी आप सभी को इन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा चुके थे और आप सभी के लिए एक अच्छी बात भी रही थी। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन मूवी को लेकर और बैक टू बैक आप सभी को इस तरह के जॉनर की मूवीज़ देखने को मिल रखा था। और हम आप सभी को बता दें, फिर से टाइम रिलीज भी कुछ बेहतरीन मूवी जो हिंदी सिनेमा के फ़ैन के लिए एक अच्छी बात रह गई थी और बैक टू बैक उन मूवीज़ के सफिशेंट राइट्स और चर्चे होने के साथ लोगों को नई मूवी ऑलरेडी देखने को भी मिल रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इन दिनों रिलीज फिल्म के साथ अगर आप इस तरह के जॉनर की नई और एक्साइटिंग मूवी के लिए एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है और बैक टू बैक नई मूवी के हिंदी फिल्म के क्रेज और फैन अभी भी बरकरार रखा है और DCM की तीसरी सिक्वेल आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है और DCM मूवी के मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना और मूवीज़ की पार्टनर्स ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स के साथ मूवी कमाई करना काफ़ी अच्छी बात रह गई है। और शैतान मूवीज़ में आर माधवन ने जिस तरह से अपने किरदार और पर अपने काम करने को देखने के बाद काफ़ी सारे मेकर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं इस टाइम और उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रह चुका है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हॉरर ड्रामा एक अलग किरदार की मूवी आप सभी को देखना पसंद है तो दोस्तों इस टाइम शैतान आप सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे, नेटफ्लिक्स प्रीमियर इस मूवी को बहुत जल्द नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर देखने को मिलने के साथ साथ मूवी को यूट्यूब रीजन पर भी रिलीज़ करने के बाद चली हुई है और यूट्यूब मेकर्स ने भी इस टाइम इन मूवीज़ को एक अलग ही पहचान दिला दिया है। और आप सभी को बता दें, आर माधवन की एक्टिंग्स और अजय देवगन सर जिस तरह से मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं उसके साथ मूवीज़ की पॉपुलरिटी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं और नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्में के लिए इंतजार कर रखे हैं और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को इस टाइम काफ़ी सारी नई मूवी के लिए इंतजार में रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हिंदी मीडियम्स और काफ़ी सारे नए मूवी के किरदार के साथ आप सभी को ये मूवी एक अच्छी मूवी च्वाइस होने वाली है। वीडियो के साथ साथ अपडेट में रहिए और पॉपुलर मूवी सिनेमा के साथ हम आप सभी को ऑलरेडी OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा दिया है। इस टाइम आप सभी को शैतान मूवी देखने को मिल रखा है हिंदी प्रीमियर के फैन के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर और यूट्यूब पर इस मूवी को बहुत ही जल्द प्रीमियर भी कर दिया जाएगा। साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपरहिट मूवी शैतान की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार में हो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो आप सभी के लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है तो दोस्तों ये मूवी फुल HD प्रीमियर पर OTT पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को
नेटफ्लिक्स ने सब्सक्रिप्शन प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी YouTube पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज भी आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफ़ी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। इन दिनों रिलीज में आई ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज के इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को शैतान मूवी को 1 मई पर और 2 मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज़ के लिए, और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशेंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है, और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं, और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जा चुके थे, मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ, इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइट हो रखे थे, और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने इस टाइम इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना, और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था, और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आई जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही। और अजय देवगन सर के साथ इस टाइम रिलीज में आई मूवी जो कि रिलीज में आया था मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि अक्षय कुमार अजय देवगन सर के जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था, और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है, और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फ्लॉप हो गए थे। और जिसके रीजन से मूवीज़ के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं, जैसे कि दृश्यम के सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था, और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था। और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज करने लगे, और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो रखे इन मूवीज़ के रिलीजन के लिए, और रिलीज फिल्म के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्म के फैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूँ, बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योति का जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है
उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर उनको पॉपुलरिटी और फैन फॉलोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज़ आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रियू मूवी भी इसी टाइम रिलीज में आने के साथ साथ मूवीज ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए। और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्में की फ़ैन रहे थे, जो इन जॉनर की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड थे, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे, उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ अपडेट में रही है इन दिनों रिलीज में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जॉनर की मूवीज के लिए एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन, जानकी बडुवाला और अजय देवगन इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे हैं और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास, जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतनी अच्छी रिकॉर्ड रेस्पॉन्स नहीं कर रखी है, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रखे इन दिनों इन मूवीज़ के मेकर्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन दिनों इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने अपने पास परचेज राइट्स लेकर रखा है, जिसके रीज़न से नेटफ्लिक्स इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी नई मूवीज़ के सफिशन पर आगे बढ़ रखा है। उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स इस टाइम बैक टू बैक हिंदी सिनेमा की नई मूवी अपने पास सफिशन राइट्स पर लेकर रखा है। 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवीज़ के फैन फॉलोइंग और क्रेज और इस मूवी के हिंदी पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई थी। और फाइटर मूवी, योद्धा मूवी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवी जो एक ही जॉनर की मूवी से बिलोंग करते थे और उन मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज देखने के बाद लोग बार बार एक ही जॉनर की मूवी के अंदर उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे और जिसके रीजन से ये होगा उन सभी को मूवी उतना खास पसंद नहीं आया और बाद में लोग बैक टू बैक नई और पुराने मूवीज़ की तरह ही बढ़ने लगे और लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिला। फुल HD प्रीमियर पर हम ऑलरेडी आप सभी को इन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा चुके थे और आप सभी के लिए एक अच्छी बात भी रही थी। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन मूवी को लेकर और बैक टू बैक आप सभी को इस तरह के जॉनर की मूवीज़ देखने को मिल रखा था। और हम आप सभी को बता दें फिर से टाइम रिलीज भी कुछ बेहतरीन मूवी जो हिंदी सिनेमा के फ़ैन के लिए एक अच्छी बात रह गई थी और बैक टू बैक उन मूवीज़ के सफिशन राइट्स और चर्चे होने के साथ लोगों को नई मूवी ऑलरेडी देखने को भी मिल रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों रिलीज फिल्म के साथ अगर आप इस तरह के जॉनर की नई और एक्साइटिंग मूवी लिए एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। और बैक टू बैक नई मूवी के हिंदी फिल्म के क्रेज और फैन अभी भी बरकरार रखा है और दृश्यम की तीसरी सिक्वेल आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है और दृश्यम मूवी के मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना और मूवीज़ की पार्टनर्स ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स के साथ मूवी कमाई करना काफ़ी अच्छी बात रह गई है। और शैतान मूवीज़ में आर माधवन ने जिस तरह से अपने किरदार पर अपने काम करने को देखने के बाद काफ़ी सारे मेकर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहे इस टाइम और उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रह चुका है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हॉरर ड्रामा एक अलग किरदार की मूवी आप सभी को देखना पसंद है तो दोस्तों इस टाइम शैतान आप सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे नेटफ्लिक्स प्रीमियर इस मूवी को बहुत जल्द नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर देखने को मिलने के साथ साथ मूवी को यूट्यूब रीजन पर भी रिलीज़ करने के बाद चली हुई है और यूट्यूब मेकर्स ने भी इस टाइम इन मूवीज़ को एक अलग ही पहचान दिला दिया है। और आप सभी को बता दें आर माधवन की एक्टिंग्स और अजय देवगन सर जिस तरह से मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं उसके साथ मूवीज़ की पॉपुलरिटी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं और नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्में के लिए इंतजार कर रखे हैं और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को इस टाइम काफ़ी सारी नई मूवी के लिए इंतजार में रखा था।
मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हिंदी मीडियम्स और काफ़ी सारे नए मूवी के किरदार के साथ आप सभी को ये मूवी एक अच्छी मूवी च्वाइस होने वाली है। वीडियो के साथ साथ अपडेट में रहिए और पॉपुलर मूवी सिनेमा के साथ हम आप सभी को ऑलरेडी OTT रिलीज के बारे में जानकारी करवा दिया है। इस टाइम आप सभी को शैतान मूवी देखने को मिल रखा है हिंदी प्रीमियर के फैन के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर और यूट्यूब पर इस मूवी को बहुत ही जल्द प्रीमियर भी कर दिया जाएगा। साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपरहिट मूवी शैतान की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार में है वो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो आप सभी के लिए खुशखबर है। तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है। तो दोस्तों ये मूवी फुल HD प्रीमियर प्रो OTT पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को नेटफ्लिक्स ने सफिशियंट प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज भी आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। इन दिनों रिलीज में आई ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को शैतान मूवी को 1 मई पर और 2 मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज के लिए, और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशेंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है, और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं, और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जा चुके थे, मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ, इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइट हो रखे थे, और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने इस टाइम इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना, और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था, और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आए जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही। और अजय देवगन सर के साथ इस टाइम रिलीज में आए मूवी जो कि रिलीज में आया था मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि अक्षय कुमार अजय देवगन सर के जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था, और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है, और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फ्लॉप हो गए थे। और जिसके रीजन से मूवीज़ के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं, जैसे कि दृश्यम की सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था, और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था। और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज़ करने लगे, और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो रखे इन मूवी
मूवीज़ के रिलीजन के लिए और रिलीज़ फिल्में के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्में के फ़ैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूँ, बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्में के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योतिका जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है, उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है, जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर उनको पॉपुलरिटी और फैन ब्लोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज़ आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रियू मूवी भी इसी टाइम रिलीज में आने के साथ साथ मूवीज ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्में की फ़ैन रहे थे, जो इन जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड थे, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे, उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ अपडेट में रहिए, इन दिनों रिलीज़ में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन, जानकी बडुवाला और अजय देवगन इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे हैं और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास, जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतनी अच्छी रिकॉर्ड रेस्पॉन्स नहीं कर रखी है, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रखे इन दिनों इन मूवीज़ के मेकर्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इन दिनों इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने अपने पास परचेज राइट्स लेकर रखा है, जिसके रीज़न से नेटफ्लिक्स इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी नई मूवीज़ के सफिशन पर आगे बढ़ रखा है। उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स इस टाइम बैक टू बैक हिंदी सिनेमा की नई मूवी अपने पास सफिशन राइट्स पर लेकर रखा है। 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवीज़ के फैन फ्लोइंग और क्रेज और इस मूवी के हिंदी पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई थी। और फाइटर मूवी, योद्धा मूवी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवी जो एक ही जॉनरा की मूवी से बिलोंग करते थे और उन मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज देखने के बाद लोग बार बार एक ही जॉनरा की मूवी के अंदर उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे और जिसके रीज़न से ये होगा उन सभी को मूवी उतना खास पसंद नहीं आया और बाद में लोग बैक टू बैक नई और पुराने मूवीज़ की तरह ही बढ़ने लगे और लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिला। फुल HD प्रीमियर पर हम ऑलरेडी आप सभी को इन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा चुके थे और आप सभी के लिए एक अच्छी बात भी रही थी। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन मूवी को लेकर और बैक टू बैक आप सभी को इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ देखने को मिल रखा था। और हम आप सभी को बता दें, फिर से टाइम रिलीज भी कुछ बेहतरीन मूवी जो हिंदी सिनेमा के फ़ैन के लिए एक अच्छी बात रह गई थी और बैक टू बैक उन मूवीज़ के सफिशेंट राइट्स और चर्चे होने के साथ लोगों को नई मूवी ऑलरेडी देखने को भी मिल रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इन दिनों रिलीज फिल्म के साथ अगर आप इस तरह के जॉनरा की नई और एक्साइटिंग मूवी लिए एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। और बैक टू बैक नई मूवी के हिंदी फिल्म के क्रेज और फैन अभी भी बरकरार रखा है और GCM की तीसरी सीक्वल आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है और GCM मूवी के मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना और मूवीज़ की पार्टनर्स ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स के साथ मूवी कमाई करना काफ़ी अच्छी बात रह गई है। और शैतान मूवीज़ में आर माधवन ने जिस तरह अपने किरदार पर अपने काम करने को देखने के बाद काफ़ी सारे मेकर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहे हैं इस टाइम और उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रह चुका है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हॉरर ड्रामा एक अलग किरदार की मूवी आप सभी को देखना पसंद है तो दोस्तों इस टाइम शैतान आप सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे, नेटफ्लिक्स प्रीमियर इस मूवी को बहुत जल्द नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर देखने को मिलने के साथ साथ मूवी को यूट्यूब रीजन पर भी रिलीज
रिलीज़ करने के बाद चली हुई है और यूट्यूब मेकर्स ने भी इस टाइम इन मूवीज़ को एक अलग ही पहचान दिला दिया है। और आप सभी को बता दें, आर माधवन की एक्टिंग्स और अजय देवगन सर जिस तरह से मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं, उसके साथ मूवीज़ की पॉपुलरिटी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं और नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्में के लिए इंतजार कर रखे हैं और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को इस टाइम काफ़ी सारी नई मूवी के लिए इंतजार में रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हिंदी मीडियम्स और काफ़ी सारे नए मूवी के किरदार के साथ आप सभी को ये मूवी एक अच्छी मूवी चॉइस होने वाली है। वीडियो के साथ साथ अपडेट में रहिए और पॉपुलर मूवी सिनेमा के साथ हम आप सभी को ऑलरेडी OTT रिलीज के बारे में जानकारी करवा दिया है। इस टाइम आप सभी को शैतान मूवी देखने को मिल रखा है हिंदी प्रीमियर के फैन के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर और यूट्यूब पर इस मूवी को बहुत ही जल्द प्रीमियर भी कर दिया जाएगा। साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपर हिट मूवी शैतान की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार में हो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो आप सभी के लिए खुशखबर है। तो दोस्तों, फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है। तो दोस्तों, ये मूवी फुल HD प्रीमियर प्रो OTT पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को नेटफ्लिक्स ने सफिशियंट प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज भी आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। इन दिनों रिलीज में आई ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों, बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को शैतान मूवी को 1 मई पर और 2 मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज के लिए और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशिएंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों, शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जा चुके थे। मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ, इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों, हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइट हो रखे थे और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने इस टाइम इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना। और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आए, जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही। और अजय देवगन सर के साथ इस टाइम रिलीज में आई मूवी जो कि रिलीज में आया था मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि अक्षय कुमार अजय देवगन सर के जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर
फ्लॉप हो गए थे और जिसके रीज़न से मूवीज़ के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं। जैसे कि दृश्यम की सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था। और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज़ करने लगे और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो रखे इन मूवी इसके रिलीजन के लिए। और रिलीज फिल्म के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्म के फैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूं बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योति का जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर इनको पॉपुलरिटी और फैन फॉलोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रियू मूवी भी इसी टाइम रिलीज में आने के साथ साथ मूवीज ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए। और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्म के फैन रहे थे जो इन जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड थे उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ अपडेट में रही है इन दिनों रिलीज में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन चाने की बडुवाला और अजय देवगन इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग काम कर रखे हैं और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज़ ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतनी अच्छी रिकॉर्ड रेस्पॉन्स नहीं कर रखी है जिसके बाद काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रखे इन दिनों इन मूवीज़ के मेकर्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इन दिनों इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने अपने पास परचेज राइट्स लेकर रखा है जिसके रीज़न से नेटफ्लिक्स इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी नई मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन पर आगे बढ़ रखा है। उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स इस टाइम बैक टू बैक हिंदी सिनेमा की नई मूवी अपने पास सब्सक्रिप्शन राइट्स पर लेकर रखा है। 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवीज़ के फैन फॉलोइंग और क्रेज और इस मूवी के हिंदी पॉपुलरिटी के रीजन से मूवी एक अलग किरदार पर बनी हुई थी। और फाइटर मूवी योद्धा मूवी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवी जो एक ही जॉनरा की मूवी से बिलोंग करते थे और उन मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज देखने के बाद लोग बार बार एक ही जॉनरा की मूवी के अंदर उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे और जिसके रीज़न से ही होगा उन सभी को मूवी उतना खास पसंद नहीं आया और बाद में लोग बैक टू बैक नई और पुराने मूवीज़ की तरह ही बढ़ने लगे और लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिला। फुल HD प्रीमियर पर हम ऑलरेडी आप सभी को इन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा चुके थे और आप सभी के लिए एक अच्छी बात भी रही थी। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन मूवी को लेकर और बैक टू बैक आप सभी को इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ देखने को मिल रखा था। और हम आप सभी को बता दें फिर से टाइम रिलीज भी कुछ बेहतरीन मूवी जो हिंदी सिनेमा के फ़ैन के लिए एक अच्छी बात रह गई थी और बैक टू बैक उन मूवीज़ के सफिशेंट राइट्स और चर्चे होने के साथ लोगों को नई मूवी ऑलरेडी देखने को भी मिल रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों रिलीज फिल्म के साथ अगर आप इस तरह के जॉनरा की नई और एक्साइटिंग मूवी लिए एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। और बैक टू बैक नई मूवी के हिंदी फिल्म के क्रेज और फैन अभी भी बरकरार रखा है और दृश्यम की तीसरी सीक्वल आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है और दृश्यम मूवी के मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना और मूवीज़ की पार्टनर्स ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स के साथ मूवी कमाई करना काफ़ी अच्छी बात रह गई है। और शैतान मूवीज़ में आर माधवन ने जिस तरह अपने किरदार और
पर अपने काम करने को देखने के बाद काफ़ी सारे मेकर्स भी, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहे इस टाइम, और उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रह चुका है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हॉरर ड्रामा एक अलग किरदार की मूवी आप सभी को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम शैतान आप सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे, नेटफ्लिक्स प्रीमियर इस मूवी को बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर देखने को मिलने के साथ साथ मूवी को यूट्यूब रीजन पर भी रिलीज करने के बाद चली हुई है, और यूट्यूब मेकर्स ने भी इस टाइम इन मूवीज़ को एक अलग ही पहचान दिला दिया है। और आप सभी को बता दें, आर माधवन की एक्टिंग्स और अजय देवगन सर जिस तरह से मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं, उसके साथ मूवीज़ की पॉपुलरिटी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं और नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के लिए इंतजार कर रखे हैं, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को इस टाइम काफ़ी सारी नई मूवी के लिए इंतजार में रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हिंदी मीडियम्स और काफ़ी सारे नए मूवी के किरदार के साथ आप सभी को ये मूवी एक अच्छी मूवी चॉइस होने वाली है। वीडियो के साथ साथ अपडेट में रहिए, और पॉपुलर मूवी सिनेमा के साथ हम आप सभी को ऑलरेडी OTT रिलीज के बारे में जानकारी करवा दिया है। इस टाइम आप सभी को शैतान मूवी देखने को मिल रखा है हिंदी प्रीमियर के फैन के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर, और यूट्यूब पर इस मूवी को बहुत ही जल्द प्रीमियर भी कर दिया जाएगा। साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपरहिट मूवी शैतान की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार में हो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो, आप सभी के लिए खुशखबर है। तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है, तो दोस्तों ये मूवी फुल HD प्रीमियर प्रो OTT पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को नेटफ्लिक्स ने सफिशियंट प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो का हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी YouTube पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी, जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज में आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज़्यादा की कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफ़ी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इन दिनों रिलीज में आई ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला, और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को शैतान मूवी को 1 मई पर और 2 मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज के लिए, और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशियंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है, और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं, और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जा चुके थे, मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ, इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइट हो रखे थे, और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने इस टाइम
इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना, और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था, और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आए जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही। और अजय देवगन सर के साथ इस टाइम रिलीज में आए मूवी जो कि रिलीज में आया था मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि अक्षय कुमार अजय देवगन सर के, जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था, और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है, और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फ्लॉप हो गए थे। और जिसके रीज़न से मूवीज़ के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं, जैसे कि दृश्यम की सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था, और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था। और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज़ करने लगे, और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे इन मूवीज़ के रिलीजन के लिए, और रिलीज फिल्म के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्म के फैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूँ, बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योति का जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है, उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर उनको पॉपुलरिटी और फैन फॉलोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज़ आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रियो मूवी भी इसी टाइम रिलीज में आने के साथ साथ मूवीज ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी, और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए। और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्म के फ़ैन रहे थे, जो इन जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड थे, उन सभी को लिए मैं बताना चाहूँगा बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे, और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे, उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ अपडेट में रही है इन दिनों रिलीज में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन जाने की बडवाया, और अजय देवगन इस मूवी के अंदर एज ए लीड कास्टिंग काम कर रखे हैं, और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी, और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास, जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज़ ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतनी अच्छी रिकॉर्ड रेस्पॉन्स नहीं कर रखी है, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रखे इन दिनों इन मूवीज़ के मेकर्स के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इन दिनों इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने अपने पास परचेज राइट्स लेकर रखा है, जिसके रीज़न से नेटफ्लिक्स इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी नई मूवीज़ के सब्सक्रिप्शन पर आगे बढ़ रखा है। उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स इस टाइम बैक टू बैक हिंदी सिनेमा की नई मूवी अपने पास सब्सक्रिप्शन राइट्स पर लेकर रखा है। 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवीज़ के फैन फॉलोइंग और क्रेज, और इस मूवी के हिंदी पॉपुलरिटी की रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई थी। और फाइटर मूवी, योद्धा मूवी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवी जो एक ही जॉनरा की मूवी से बिलोंग करते थे, और उन मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज देखने के बाद लोग बार बार एक ही जॉनरा की मूवी के अंदर उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, और जिसके रीज़न से ये होगा उन सभी को मूवी उतना खास पसंद नहीं आया, और बाद में लोग बैक टू बैक नई और पुराने मूवीज़ की तरह ही बढ़ने लगे, और लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिला। फुल HD प्रीमियर पर हम ऑलरेडी आप सभी को इन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा चुके थे, और आप सभी के लिए एक अच्छी बात भी रही थी। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक आप सभी को इस तरह के जॉनर की मूवीज़ देखने को मिल रखा था। और हम आप सभी को बता दें, फिर से टाइम रिलीज भी कुछ बेहतरीन मूवी जो हिंदी सिनेमा के फ़ैन के लिए एक अच्छी बात रह गई थी, और बैक टू बैक उन मूवीज़ के सफिशेंट राइट्स और चर्चे होने के साथ लोगों को नई मूवी ऑलरेडी देखने को भी मिल रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इन दिनों रिलीज फिल्म के साथ अगर आप इस तरह के जॉनर की नई और एक्साइटिंग मूवी
के लिए एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। और बैक टू बैक नई मूवी के हिंदी फिल्मों के क्रेज और फैन अभी भी बरकरार रखा है। और दृश्यम की तीसरी सिक्वल आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है। और दृश्यम मूवी के मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे हैं उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना, और मूवीज़ की पार्टनर्स ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स के साथ मूवी कमाई करना काफ़ी अच्छी बात रह गई है। और शैतान मूवीज़ में आर माधवन ने जिस तरह से अपने किरदार पर अपने काम करने को देखने के बाद काफ़ी सारे मेकर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहे हैं इस टाइम, और उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रह चुका है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हॉरर ड्रामा एक अलग किरदार की मूवी आप सभी को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम शैतान आप सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे नेटफ्लिक्स प्रीमियर इस मूवी को बहुत जल्द नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर देखने को मिलने के साथ साथ मूवी को यूट्यूब रीजन पर भी रिलीज करने के बाद चली हुई है। और यूट्यूब मेकर्स ने भी इस टाइम इन मूवीज़ को एक अलग ही पहचान दिला दिया है। और आप सभी को बता दें आर माधवन की एक्टिंग्स और अजय देवगन सर जिस तरह से मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं उसके साथ मूवीज़ की पॉपुलरिटी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं और नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के लिए इंतजार कर रखे हैं। और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को इस टाइम काफ़ी सारी नई मूवी के लिए इंतजार में रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हिंदी मीडियम्स और काफ़ी सारे नए मूवी के किरदार के साथ आप सभी को ये मूवी एक अच्छी मूवी च्वाइस होने वाली है। वीडियो के साथ साथ अपडेट में रहिए। और पॉपुलर मूवी सिनेमा के साथ हम आप सभी को ऑलरेडी OTT रिलीज के बारे में जानकारी करवा दिया है। इस टाइम आप सभी को शैतान मूवी देखने को मिल रखा है हिंदी प्रीमियर के फैन के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर, और यूट्यूब पर इस मूवी को बहुत ही जल्द प्रीमियर भी कर दिया जाएगा। साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपरहिट मूवी शैतान की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार में है हो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो, आप सभी के लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है। तो दोस्तों ये मूवी फुल HD प्रीमियर प्रो OTT पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को नेटफ्लिक्स ने सफिशियंट प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के नाम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज भी आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफ़ी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इन दिनों रिलीज में आई ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज के इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को शैतान मूवी को 1 मई पर और 2 मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज के लिए, और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशिएंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है, और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं, और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जा चुके थे, मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ
उन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइट हो रखे थे, और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने, इस टाइम इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना, और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था, और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आई, जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही। और अजय देवगन सर के साथ इस टाइम रिलीज में आई मूवी जो कि रिलीज़ में आया था मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि अक्षय कुमार अजय देवगन सर के, जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था, और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है, और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फ्लॉप हो गए थे, और जिसके रीज़न से मूवीज़ के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं। जैसे कि दृश्यम की सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था, और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था, और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज करने लगे, और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो रखे इन मूवीज़ के रिलीजन के लिए, और रिलीज फिल्म के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्म के फैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूं, बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योति का जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है, उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है, जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर उनको पॉपुलरिटी और फैन फॉलोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज़ आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रियू मूवी भी इसी टाइम रिलीज में के साथ साथ मूवीज ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी, और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए, और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्म के फ़ैन रहे थे, जो इन जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड थे, उन सभी को लिए मैं बताना चाहूँगा बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे, और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे, उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ अपडेट में रही है इन दिनों रिलीज़ में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन जाने की बड़ी वाला, और अजय देवगन इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे हैं, और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी, और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास, जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज़ ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतनी अच्छी रिकॉर्ड रेस्पॉन्स नहीं कर रखी है, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रखे इन दिनों इन मूवीज़ के मेकर्स के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन दिनों इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने अपने पास परचेज राइट्स लेकर रखा है, जिसके रीज़न से नेटफ्लिक्स इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी नई मूवीज़ के सफिशन पर आगे बढ़ रखा है। उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स इस टाइम बैक टू बैक हिंदी सिनेमा की नई मूवी अपने पास सफिशन राइट्स पर लेकर रखा है। 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवीज़ के फैन फॉलोइंग और क्रेज़, और इस मूवी के हिंदी पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई थी। और फाइटर मूवी, योद्धा मूवी, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवी जो एक ही जॉनरा की मूवी से बिलोंग करते थे, और उन मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज़ देखने के बाद लोग बार बार एक ही जॉनरा की मूवी के अंदर उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, और जिसके रीज़न से ये होगा उन सभी को मूवी उतना खास पसंद नहीं आया, और बाद में लोग बैक टू बैक नई और पुराने मूवीज़ की तरह ही बढ़ने लगे, और लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिला। फुल HD प्रीमियर पर हम ऑलरेडी आप सभी को इन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा चुके थे, और आप सभी के लिए एक अच्छी बात भी रही थी। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स
इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक आप सभी को इस तरह के जॉनर की मूवीज़ देखने को मिल रहा था। और हम आप सभी को बता दें फर्स्ट टाइम रिलीज भी कुछ बेहतरीन मूवी जो हिंदी सिनेमा के फ़ैन के लिए एक अच्छी बात रह गई थी, और बैक टू बैक उन मूवीज़ के सफिशेंट राइट्स और चर्चे होने के साथ लोगों को नई मूवी ऑलरेडी देखने को भी मिल रहा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों रिलीज फिल्म के साथ अगर आप इस तरह के जॉनर की नई और एक्साइटिंग मूवी लिए एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। और बैक टू बैक नई मूवी के हिंदी फिल्म के क्रेज और फैन अभी भी बरकरार रखा है, और दृश्यम की तीसरी सीक्वल आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है। और दृश्यम मूवी के मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना, और मूवीज़ की पार्टनर्स ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स के साथ मूवी कमाई करना काफ़ी अच्छी बात रह गई है। और शैतान मूवीज़ में आर माधवन ने जिस तरह से अपने किरदार पर अपने काम करने को देखने के बाद काफ़ी सारे मेकर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहे हैं इस टाइम, और उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रह चुका है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हॉरर ड्रामा एक अलग किरदार की मूवी आप सभी को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम शैतान आप सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे नेटफ्लिक्स प्रीमियर इस मूवी को बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर देखने को मिलने के साथ साथ मूवी को यूट्यूब रीजन पर भी रिलीज़ करने के बाद चली हुई है, और यूट्यूब मेकर्स ने भी इस टाइम इन मूवीज़ को एक अलग ही पहचान दिला दिया है। और आप सभी को बता दें आर माधवन की एक्टिंग्स और अजय देवगन सर जिस तरह से मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं उसके साथ मूवीज़ की पॉपुलैरिटी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं और नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के लिए इंतजार कर रखे हैं, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को इस टाइम काफ़ी सारी नई मूवी के लिए इंतजार में रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हिंदी मीडियम्स और काफ़ी सारे नई मूवी के किरदार के साथ आप सभी को ये मूवी एक अच्छी मूवी चॉइस होने वाली है। वीडियो के साथ साथ अपडेट में रहिए, और पॉपुलर मूवी सिनेमा के साथ हम आप सभी को ऑलरेडी OTT रिलीज के बारे में जानकारी करवा दिया है। इस टाइम आप सभी को शैतान मूवी देखने को मिल रखा है हिंदी प्रीमियर के फैन के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर, और यूट्यूब पर इस मूवी को बहुत ही जल्द प्रीमियर भी कर दिया जाएगा। साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपर हिट मूवी शैतान की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार में हो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो आप सभी के लिए खुशखबर है। तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है, तो दोस्तों ये मूवी फुल HD प्रीमियर प्रो OTT पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को नेटफ्लिक्स ने सफिशेंट प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज भी आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इन दिनों रिलीज में आई ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला, और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को शैतान मूवी को 1 मई पर और 2 मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज के लिए, और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशेंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है,
और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंका चुके थे। मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइट हो रखे थे और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने इस टाइम इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी से खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आए जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही और अजय देवगन सर के साथ इस टाइम रिलीज में आए मूवी जो कि रिलीज में आया था मैदान, बड़े मियाँ छोटी मियाँ, जो कि अक्षय कुमार अजय देवगन सर के जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फ्लॉप हो गए थे और जिसके रीजन से मूवीज़ के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं। जैसे कि दृश्यम की सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज करने लगे और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो रखे इन मूवीज़ के रिलीजन के लिए और रिलीज फिल्म के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्म के फैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूं बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योतिका जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर उनको पॉपुलरिटी और फैन फॉलोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रियू मूवी भी इसी टाइम रिलीज में आने के साथ साथ मूवीज ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्म के फैन रहे थे, जो इन जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड थे, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ अपडेट में रही है इन दिनों रिलीज़ में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन, जानकी बडिवाला और अजय देवगन इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे हैं और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास, जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतनी अच्छी रिकॉर्ड रेस्पॉन्स नहीं कर रखी है जिसके बाद काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रखे इन दिनों इन मूवीज़ के मेकर्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इन दिनों इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने अपने पास परचेज राइट्स लेकर रखा है जिसके रीज़न से नेटफ्लिक्स इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी नई मूवीज़ के सफिशन पर आगे बढ़ रखा है। उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स इस टाइम बैक टू बैक हिंदी सिनेमा की नई मूवी अपने पास सफिशन राइट्स पर लेकर रखा है। 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवीज़ के
फैन फॉलोइंग और क्रेज़, और इस मूवी की हिंदी पॉपुलरिटी की वजह से ये मूवी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई थी। और फाइटर मूवी, योद्धा मूवी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवी जो एक ही जॉनरा की मूवी से बिलोंग करते थे, और उन मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज़ देखने के बाद लोग बार बार एक ही जॉनरा की मूवी के अंदर उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, और जिसके रीज़न से ये होगा उन सभी को मूवी उतना खास पसंद नहीं आया, और बाद में लोग बैक टू बैक नहीं और पुराने मूवीज़ की तरह ही बढ़ने लगे, और लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिला। फुल HD प्रीमियर पर हम ऑलरेडी आप सभी को इन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा चुके थे, और आप सभी के लिए एक अच्छी बात भी रही थी। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक आप सभी को इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ देखने को मिल रखा था। और हम आप सभी को बता दें फिर से टाइम रिलीज भी कुछ बेहतरीन मूवी जो हिंदी सिनेमा के फ़ैन के लिए एक अच्छी बात रह गई थी, और बैक टू बैक उन मूवीज़ के सफिशेंट राइट्स और चर्चे होने के साथ लोगों को नई मूवी ऑलरेडी देखने को भी मिल रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन दिनों रिलीज फिल्म के साथ अगर आप इस तरह के जॉनरा की नई और एक्साइटिंग मूवी लिए एक्साइटेड रहते हो तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। और बैक टू बैक नई मूवी के हिंदी फिल्म के क्रेज और फैन अभी भी बरकरार रखा है, और DCM की तीसरी सीक्वल आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है, और DCM मूवी के मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना, और मूवीज़ की पार्टनर्स ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स के साथ मूवी कमाई करना काफ़ी अच्छी बात रह गई है। और शैतान मूवीज़ में आर माधवन ने जिस तरह अपने किरदार और पर अपने काम करने को देखने के बाद काफ़ी सारे मेकर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहे इस टाइम, और उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रह चुका है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हॉरर ड्रामा एक अलग किरदार की मूवी आप सभी को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम शैतान आप सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे नेटफ्लिक्स प्रीमियर इस मूवी को बहुत जल्द नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर देखने को मिलने के साथ साथ मूवी को यूट्यूब रीजन पर भी रिलीज़ करने के बाद चली हुई है, और यूट्यूब मेकर्स ने भी इस टाइम इन मूवीज़ को एक अलग ही पहचान दिला दिया है। और आप सभी को बता दें आर माधवन की एक्टिंग्स और अजय देवगन सर जिस तरह से मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं उसके साथ मूवीज़ की पॉपुलरिटी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई है, उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं और नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के लिए इंतजार कर रखे हैं, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को इस टाइम काफ़ी सारी नई मूवी के लिए इंतजार में रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हिंदी मीडियम्स और काफ़ी सारे नए मूवी के किरदार के साथ आप सभी को ये मूवी एक अच्छी मूवी च्वाइस होने वाली है। वीडियो के साथ साथ अपडेट में रहिए, और पॉपुलर मूवी सिनेमा के साथ हम आप सभी को ऑलरेडी OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा दिया है। इस टाइम आप सभी को शैतान मूवी देखने को मिल रखा है हिंदी प्रीमियर के फैन के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर, और यूट्यूब पर इस मूवी को बहुत ही जल्द प्रीमियर भी कर दिया जाएगा। साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपरहिट मूवी शैतान की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार में है हो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो आप सभी के लिए खुशखबर है। तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है, तो दोस्तों ये मूवी फुल HD प्रीमियर पर OTT पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को नेटफ्लिक्स ने सफिशेंट प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज भी आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इन दिनों रिलीज में आई ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला, और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को शैतान मूवी को
फर्स्ट मई पर और सेकेंड मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज के लिए, और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशेंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है, और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं, और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जा चुके थे। मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ, इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइट हो रखे थे, और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने इस टाइम इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना, और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था, और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आई जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही। और अजय देवगन सर के साथ इस टाइम रिलीज में आई मूवी जो कि रिलीज में आया था मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि अक्षय कुमार अजय देवगन सर के, जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था, और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है, और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फ्लॉप हो गए थे। और जिसके रीजन से मूवीज़ के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं, जैसे कि दृश्यम की सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था, और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था। और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज करने लगे, और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो रखे इन मूवीज़ के रिलीजन के लिए। और रिलीज फिल्में के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्में के फ़ैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूँ, बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्में के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योतिका जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है, उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर इनको पॉपुलरिटी और फैन फॉलोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रियो मूवी भी इसी टाइम रिलीज में आने के साथ साथ मूवीज ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी, और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए। और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्में की फ़ैन रहे थे, जो इन जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड थे, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे, और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे, उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ अपडेट में रही है इन दिनों रिलीज में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइट हो, आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन, जानकी बडुवाला और अजय देवगन इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे हैं, और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी, और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास, जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उतनी अच्छी रिकॉर्ड रेस्पॉन्स नहीं कर रखी है, जिसके बाद
काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रखे इन दिनों इन मूवीज़ के मेकर्स के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इन दिनों इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने अपने पास परचेज राइट्स लेकर रखा है, जिसके रीज़न से नेटफ्लिक्स इस टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी नई मूवीज़ के सफिशन पर आगे बढ़ रखा है। उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स इस टाइम बैक टू बैक हिंदी सिनेमा की नई मूवी अपने पास सब्सक्रिप्शन राइट्स पर लेकर रखा है। 7.2 की रेटिंग मिली हुई इस मूवीज़ के फैन फॉलोइंग और क्रेज़, और इस मूवी के हिंदी पॉपुलरिटी के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई थी। और फाइटर मूवी, योद्धा मूवी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मूवी जो एक ही जॉनरा की मूवी से बिलोंग करते थे, और उन मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज देखने के बाद लोग बार बार एक ही जॉनरा की मूवी के अंदर उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, और जिसके रीज़न से ये होगा उन सभी को मूवी उतना खास पसंद नहीं आया, और बाद में लोग बैक टू बैक नई और पुराने मूवीज़ की तरह ही बढ़ने लगे, और लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिला। फुल HD प्रीमियर पर हम ऑलरेडी आप सभी को इन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा चुके थे, और आप सभी के लिए एक अच्छी बात भी रही थी। मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इन मूवी को लेकर, और बैक टू बैक आप सभी को इस तरह के जॉनर की मूवीज़ देखने को मिल रखा था। और हम आप सभी को बता दें, फिर से टाइम रिलीज भी कुछ बेहतरीन मूवी जो हिंदी सिनेमा के फ़ैन के लिए एक अच्छी बात रह गई थी, और बैक टू बैक उन मूवीज़ के सफिशेंट राइट्स और चर्चे होने के साथ लोगों को नई मूवी ऑलरेडी देखने को भी मिल रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इन दिनों रिलीज फिल्म के साथ अगर आप इस तरह के जॉनर की नई और एक्साइटिंग मूवी लिए एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। और बैक टू बैक नई मूवी के हिंदी फिल्म के क्रेज और फैन अभी भी बरकरार रखा है, और DCM की तीसरी सीक्वल आप सभी को इस टाइम देखने को मिलने वाला है, और DCM मूवी के मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखे उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी अच्छी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आना, और मूवीज़ की पार्टनर्स ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स के साथ मूवी कमाई करना काफ़ी अच्छी बात रह गई है। और शैतान मूवीज़ में R माधवन ने जिस तरह अपने किरदार पर अपने काम करने को देखने के बाद काफ़ी सारे मेकर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहे इस टाइम, और उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रह चुका है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हॉरर ड्रामा एक अलग किरदार की मूवी आप सभी को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम शैतान आप सभी के लिए एक अच्छी च्वाइस होने वाला है। और हम आप सभी को बताना चाहेंगे, नेटफ्लिक्स प्रीमियर इस मूवी को बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर देखने को मिलने के साथ साथ मूवी को यूट्यूब रीजन पर भी रिलीज़ करने के बाद चली हुई है, और यूट्यूब मेकर्स ने भी इस टाइम इन मूवीज़ को एक अलग ही पहचान दिला दिया है। और आप सभी को बता दें, R माधवन की एक्टिंग्स और अजय देवगन सर जिस तरह से मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं, उसके साथ मूवीज़ की पॉपुलरिटी एक अलग ही किरदार पर बनी हुई है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग हैं और नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के लिए इंतजार कर रखे हैं, और मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को इस टाइम काफ़ी सारी नई मूवी के लिए इंतजार में रखा था। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हिंदी मीडियम्स और काफ़ी सारे नए मूवी के किरदार के साथ आप सभी को ये मूवी एक अच्छी मूवी च्वाइस होने वाली है। वीडियो के साथ साथ अपडेट में रहिए, और पॉपुलर मूवी सिनेमा के साथ हम आप सभी को ऑलरेडी OTT रिलीज़ के बारे में जानकारी करवा दिया है। इस टाइम आप सभी को शैतान मूवी देखने को मिल रखा है हिंदी प्रीमियर के फैन के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर, और यूट्यूब पर इस मूवी को बहुत ही जल्द प्रीमियर भी कर दिया जाएगा। साल 2024 की एक बेहतरीन हॉरर ड्रामा सुपरहिट मूवी शैतान की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार में हो, इस मूवी के हिंदी रिलीज के लिए इंतजार में हो, आप सभी के लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स ने इस मूवी को प्रीमियर कर रखा है, तो दोस्तों ये मूवी फुल HD प्रीमियर पर OTT पर आप सभी को देखने को मिल रखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द ये मूवी को नेटफ्लिक्स ने सफिशियंट प्राइस पर लेके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए मूवी के ऑफिशियली हिंदी OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप सभी को ये मूवी YouTube पर कैसे देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जानकारी करवाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इस टाइम रिलीज हुई 2024 के एक बेहतरीन हिट मूवी जो काफ़ी सारे नई मूवी के साथ क्लैश हुआ था, उन मूवी के साथ एक ही साथ रिलीज भी आने के बावजूद भी इसी मूवी ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 150 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन कर ली थी, जिसका बजट था सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। इससे पहले जो कि काफी सारी हाई बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस लेवल की कमाई नहीं कर पा रही थी, जिसके देखने के बाद लोग इस हॉरर ड्रामा मूवी को देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीजन से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इन दिनों रिलीज में आई ये सब मूवी में से नेटफ्लिक्स अकेला ही ओनर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीक पर आप सभी को योद्धा मूवी और क्रैक मूवी देखने को मिला, दो ही मूवी
डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुके थे, जिसके रीजन से इस वीक पर नेटफ्लिक्स की उतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। पर दोस्तों बाद में जब इस मूवी के हिंदी फिल्म के बारे में अपडेट मिला और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हिंदी रिलीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए इस टाइम एक बेहतरीन मूवी रिप्लेसमेंट में रही है। और दोस्तों मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी के रिलीज फिल्म के साथ बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी को शैतान मूवी को फर्स्ट मई पर और सेकेंड मई के अंदर आप सभी को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करने की बात चली हुई है। इस मूवी के हिंदी ओनर्स और इस मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी जिक्र किया है इस मूवी के रिलीज के लिए, और मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स को भी इस मूवी के सफिशेंट राइट्स ऑलरेडी दे दिया है। और इसी टाइम पर आप सभी को योद्धा जैसी कुछ पॉपुलर मूवी को देखने के बाद लोग एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रखे थे इस मूवी को लेकर। मैं ऑलरेडी उन सभी को बता चुका हूँ कि दोस्तों शैतान एक बेहतरीन ड्रामा हॉरर मूवी बनी है, और ज्योतिका आर माधवन, अजय देवगन और जानकी जैसी एक्ट्रेस मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल चुके हैं। और 7.2 की रेटिंग मिली हुई ये मूवी एक हिट मूवी की तरह बन चुका है, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने एक अलग ही कलेक्शन करने के रीजन से इस मूवी के किरदार फैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जा चुके थे। मूवी के फैन फॉलोइंग क्रेज एक अलग ही लेवल तक हो चुका था। मैं आप सभी को बता दूँ इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए ये सबसे बेहतरीन बात रही है कि दोस्तों हॉरर मूवी ने पहली बार इस लेवल की कमाई करना, वो भी दोस्तों एक रीमेक मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी इतनी नेक्स्ट लेवल की कमाई इस मूवी ने करने के साथ काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हो रखे थे, और शैतान मूवी के सीक्वल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस टाइम इसको जिक्र किया है काफ़ी सारे मेकर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स ने इस टाइम इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करना, और इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही इस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छी खासी रेस्पॉन्स के साथ देना एक बेहतरीन बात रही है। इससे पहले भोला एक रीमेक मूवी होने के बावजूद भी उसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक हिट मूवी की तरह काम किया था, और उसके साथ साथ कुछ बेहतरीन मूवी रिलीज में आए जिनमें से कुछ हिट मूवी रही, कुछ में से कुछ फ्लॉप मूवी रही। और अजय देवगन सर के साथ इस टाइम रिलीज में आए मूवी जो कि रिलीज में आया था मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि अक्षय कुमार अजय देवगन सर के, जो कि टाइगर श्रॉफ के लीड कास्ट में रही मूवी के साथ उन्होंने क्लैश किया था, और दोनों ही मूवी एक फ्लॉप मूवी की तरह बन चुकी है, और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर फ्लॉप हो गए थे। और जिसके रीजन से मूवीज़ के मेकर्स इस टाइम अजय देवगन सर को लेकर फिर से एक बार ड्रामा थ्रिलर मूवी के अंदर काम करना चाहते हैं, जैसे कि दृश्यम की सीक्वल ने जैसे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छी खासी रेस्पॉन्स दिला दिया था, और एक हॉरर मूवीज़ ने भी एक अलग ही किरदार के लेवल दिया था। और इसके साथ अजय देवगन सर को मेकर्स ने इसी जॉनरा के अंदर मूवी के अंदर उन्होंने चूज़ करने लगे, और बाद में मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे इन इसके रिलीजन के लिए। और रिलीज फिल्म के साथ साथ काफ़ी सारे लोग इन जनरा की हिंदी फिल्म के फैन रह चुके हैं। मैं आप सभी को बता दूं बैक टू बैक नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के साथ आप सभी को इन दिनों इस लेवल की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात रही है। ज्योतिका जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग होती है, उनको इस टाइम आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला। आर माधवन जो पॉपुलर एक्टर है जिन्होंने बैक टू बैक नई मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को देकर उनको पॉपुलरिटी और फैन फॉलोइंग भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। इस टाइम शैतान मूवी के क्रेज़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस लेवल तक रहना एक अच्छी बात रही है। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन दिनों मूवीज़ के पॉपुलरिटी क्रेज़ आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। क्रियो मूवी भी इसी टाइम रिलीज में आने के साथ साथ मूवीज़ ने काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स रही थी, और मैं आप सभी को बैक टू बैक नई मूवी दिखाना पसंद करूंगा ताकि दोस्तों आप सभी के लिए इस टाइम ये एक अच्छी मूवी की तरह बन जाए। और इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हिंदी फिल्म के फ़ैन रहे थे, जो इन जॉनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड थे, उन सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा बैक टू बैक मेकर्स लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी देखने को मिल रखी है। और दोस्तों बैक टू बैक हिंदी सिनेमा के कुछ फ़ैन रहे, और जो लोग हिंदी सिनेमा की इन मूवीज़ के रिलीज़ के लिए इंतज़ार में रहे, उन सभी के लिए ये
सबसे अच्छी बात रह चुका है। वीडियो के प्रीमियर के साथ साथ अपडेट में रही है इन दिनों रिलीज में आ रही इन सभी मूवी के साथ आप सभी में से कौन कौन इस तरह के जॉनरा की मूवीज के लिए एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करिए। आर माधवन, शान की बडवाया और अजय देवगन इस मूवी के अंदर लीड कास्टिंग काम कर रखे है और अजय देवगन सर ने मार्च 8 के अंदर रिलीज हुई इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 211.06 करोड़ की कलेक्शन कर लिखी थी और जिसका बजट था 60 करोड़ के आसपास जो कि इस टाइम 100 करोड़ के आसपास पर बनी हुई कुछ मूवीज ने अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन